आजमगढ़ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग द्वारा आरक्षण बचाओ यात्रा के अंतर्गत आज अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यह यात्रा 25 फरवरी को मेरठ से शुरू होकर विभिन्न जिलों मंडलों से होते हुए 6 मार्च को गोरखपुर में समाप्त होगी। नेताओं ने कहा कि कुछ दिनों पहले कोर्ट से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आरक्षण को बचाने हेतु आरक्षण बचाओ यात्रा प्रारंभ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। अरे मनीष, देश की सरकार ने कुछ दिन पहले कोर्ट के माध्यम से एक ऐसा स्ट्रक्चर पास कराया है जिससे देश में जो हमारा आरक्षण है एससी एसटी ओबीसी इन सारी जातियों के आरक्षण को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र किया है। उस षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस की नेता आदरणीय सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक करने का निर्णय लिया, जिसके तहत हम 25 तारीख से मेरठ से शुरू किए हैं इस कार्यक्रम को और आज शायद 9वां दिन है, आजमगढ़ में हम हैं और इसका समापन हम गोरखपुर में करने जा रहे हैं। आरक्षण बचाओ यात्रा हमारे इस कार्यक्रम का नाम है, क्योंकि देश भर में आज तक जो भी आरक्षण पाने वाले लोग हैं, जिनके लिए आरक्षण एक रक्षा कवच था, वो ख़त्म कर दिया है और ये कह के ख़त्म किया है कि ये जो है राज्य सरकारों का मसला है, राज्य सरकार चाहे तो दे और राज्य सरकार ना चाहे तो ना दे, जबकि ये आरक्षण हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिस मौलिक अधिकार में हमने इन 73 सालों में इस देश में रह करके इस रक्षा कवच का पूरा उपयोग किया है, जिसके माध्यम से हम चपरासी से लेकर के आईएएस तक बने हैं और वही रक्षा कवच जब हमारा ख़त्म हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के इस बैनर पे, कांग्रेस के नेताओं के निर्देशन में हम इस यात्रा को लेके निकले हैं। उस यात्रा का उद्देश्य केवल यही होगा कि जो भी इस आरक्षण को अभी तक पा रहे थे वो सब इकट्ठे होकर के अगर अपोजिशन में आएंगे, विरोध करेंगे, तो ये सरकार इस काले कानून को वापस लेगी। उदाहरण हम आपके सामने दे सकते हैं, 2018 में एक ऐसा ही फैसला इन्होंने किया था अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के खिलाफ। तो जब हमने पूरे देश में 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन शुरू किया तो ये सरकार डर गई और डर करके उस कानून को वापस लेकर के एजिटेड जिस तरीके का कानून था वैसे ही लागू किया है। तो हम पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में आरक्षण को बचाने के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक। अगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हंसते हंसते हम लोग कुर्बानी भी देंगे, इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसको हमें लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद।